बताओ कल को हम क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे कल? क्राइटेरिया। हो गया था क्राइटेरिया पढ़ के। उसके हाँ तो कल बाद, वही पढ़े उसके बाद थे, एनिमल बॉडी प्लान। एनिमल बॉडी प्लान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने थ्री टाइप के प्लान हमको पढ़ना है, एनिमल बॉडी प्लान। हाँ, तो हमें कौन से प्लान देखने हैं बोलो। कल बात की थी ना इसके बारे में हमने, सेल एग्रीगेशन, हाँ गेट प्लांट, सेल एग्रीगेट प्लांट। सेकंड हमको पढ़ना है ब्लाइंड सेक, सेक बॉडी प्लान। और थर्ड क्या पढ़ना है हमको? ट्यूब, ट्यूब बी तीन, ट्यूब बॉडी प्लान। यही हमको तीन बॉडी प्लान पढ़ने हैं, और हमने इसके बारे में कल थोड़ा बात भी कर ली थी। जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल जिसके अंदर ओनली सेल सेल ही क्या करेंगे, सभी फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, उस टाइप बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं? सेल एग्रीगेट प्लान बोलेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे और एनिमल्स जिसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर एक ही ओपनिंग होगा, जिससे मुंह से ही खाना खाया जाएगा और मुंह से ही क्या निकाला, बाहर निकाला जाएगा। हमने एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, मैंने कल आपको बोला था ना, एक ही ओपनिंग होंगी जिसके बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। और जिसमें टू ओपनिंग हो, टू ओपनिंग हो, माउथ का ओपनिंग अलग और एनस का ओपनिंग अलग, एनस का ओपनिंग अलग हो, अगर कोई भी अगर फूड खाते हुए खाता है, फिर डाइजेस्ट होके वेस्ट मटेरियल क्या होगा, एनस के थ्रू बाहर निकलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? टू विद इन अ टू बॉडी प्लेन। तो ऐसे हमको थ्री बॉडी प्लेन हमको देखना है। तो ये तीनों आपको रफ में समझ में आ गए? यस, आंसर दो। यस सर, यस सर। समझे ना, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। की थी? यस सर। हाँ, चलो एक एक के बारे में हम अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते, लिख लेते थोड़ा सा नोट्स। चलो पहले है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, चलो लिखो। इन दिस बॉडी प्लान सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन। देयर इज मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिविजन ऑफ लेबर अमॉन्ग सेल। इट इज फाउंड इन पोरीफेरा। देखो सेल एग्रीगेट प्लान में हमको क्या देखने को मिलता है? इन दिस बॉडी प्लान
इस टाइप के सेल एग्रीगेट प्लांट के बॉडी प्लांट में सेल डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन, ओनली जो भी उसके बॉडी के अंदर सेल रहेंगे वही सभी फंक्शन क्या करेंगे बॉडी के परफॉर्म करेंगे, ना इसमें हमको टिश्यू या कोई भी ऑर्गन देखने को मिलेगा, ओनली क्या करेंगे जो सेल रहेंगे सेल ही क्या करेंगे सभी फंक्शन को क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे। तो ऐसा प्लान होता है जिसको हम बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। देयर इज अ मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड द डिविजन ऑफ द लेबर ऑफ द अमंग सेल। लेबर मीन्स क्या होता है, हर एक सेल लेबर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। यानी कि अगर एक सेल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो दूसरा सेल क्या करेगा, लेबर मीन्स क्या होता है, जो कामगार होते हैं वही हमारे सेल्स करते हैं, लेबर की तरह क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं, काम करते हैं हर एक सेल। तो ऐसा टाइप का जो ये होता है सेल एग्रीगेट प्लांट, तो किसमें हमको देखने को मिलता है, इन पोरीफेरा में। इसमें पोरीफेरा में जो ये जो इनके जो सेल होते हैं ना वो कैसे होते हैं, लूजली ऑरेंज होते, ऐसे कॉम्पैक्ट नहीं होते, एक दूसरे से ऐसे कॉम्पैक्ट नहीं होते, लूजली ऑरेंज होते, ऐसे कुछ गैप दिखेगा इसमें, ऐसे कुछ गैप दिखेगा, तो ऐसे उसको बोलते हैं लूजली ऑरेंज। तो ऐसा हमारा है सेल एग्रीगेट प्लांट, जो कि किसमें हमको देखने को मिलता है, पोरी फेरा के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर? यस सर। क्लियर कर दू इसको, लिखा आपने, लिखा क्या? यस सर। नेक्स्ट कौन सा बॉडी प्लान है हमारा बताओ? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। यस। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। इस बॉडी प्लान में हमको पाउच लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिससे क्या होगा, एक ही ओपनिंग के अंदर से हम क्या करेंगे, खाना भी खाएंगे वो ऑर्गेनिज्म, और एक ही ओपनिंग के थ्रू, उसी ओपनिंग के थ्रू क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालेंगे। उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक। क्या होता है, ब्लाइंड यानी कि अंधा, क्या बोलते हैं उसका, अंधा। देखो इन दिस बॉडी प्लान, बॉडी इज लाइक अ सैक विथ सिंगल ओपनिंग। Digestion is carried out in this sac-like structure. Cyclic structure where ingestion and ejection take place through some of them. Open. Some opening. Example. Members of Hydra. जैसे जैसे लिख लेते Hydra. Hydra. देखो क्या लिखा है हमने, In this body plan. इस body plan में क्या देखने को मिलता है, Body is a like a sack. सैक तरह, सैक लाइक स्ट्रक्चर है कि जो हमारा पोता, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोता बोलते हैं, पोते को हम सैक बोलते हैं। तो पोते की तरह एक स्ट्रक्चर है कि पिशवी की पाउच की तरह एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसपे क्या होता है, ओनली सिंगल ओपनिंग होता है। देखो थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली अगर समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा दिखेगा।
यहां पर से कुछ ऐसी ओपनिंग होगी, एक ही ओपन, एक ही ओपन। देखो यहां से क्या करेगा, वो फूड को भी खाएगा, यानी कि क्या करेगा, इंजेशन करेगा। देखो यहां पर आया होगा इंजेशन, क्या करेगा, इंजेशन करेगा एंड क्या करेगा, इजेशन करेगा। इंजेशन मीन्स इनसाइड, फूड को इनसाइड करेगा, और इजेशन मीन्स क्या करेगा, फूड को आउटसाइड में डालेगा। इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल बोलते हैं। सेम, एक ही ओपनिंग से खाना भी खाएगा और एक ही ओपनिंग से क्या करेगा, खाने को बाहर भी निकालेगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको हम बोलते हैं इंजेशन एंड इजेशन। तो देखो इन दिस बॉडी प्लेन, बॉडी इज लाइक अ सैक, सैक लाइक एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसमें क्या होती है, एक सिंगल ही ओपनिंग होती है, क्या होती है, सिंगल ही ओपनिंग होती है। डाइजेशन इज अ कैरिड आउट फ्रॉम दिस द सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर द इंजेशन एंड इजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सम ओपनिंग। इसी ओपनिंग के थ्रू, यहाँ पर आपको एक ही ओपनिंग दिख रही, इसी ओपनिंग के थ्रू वो क्या करेगा, खाने को इंजेक्ट करेगा, यानी बॉडी के अंदर लेगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल है खाने के बाद डाइजेस्ट होने के बाद उसको क्या करेगा, थ्रू आउट बॉडी के बाहर, थ्रू आउट करेगा बॉडी के बाहर, थ्रू आउट आउट करेगा। तो एक किससे हो रहा है, एक सिंगल ओपनिंग से हो रहा है। तो ऐसा आपको एक एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम है हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। समझे, समझे yes, क्या sir. बाकी लोग, प्रांजलि, ओम, यश, भूमिका, हाँ बोलते जाओ बोल, जैसे धोते जाओ धोते ना, ऐसे ही। चलो इसको मैं क्लियर करूँ, लिख लिया आपने, yes, sir. Yes, लिख लिया क्या सर? ओके, नेक्स्ट थर्ड कौन सा है बॉडी प्लान हमारा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब हमने देखा था फर्स्ट, इसमें क्या देखा था, सभी सेल क्या कर रहे थे, सभी फंक्शंस कर रहे थे, इसमें कोई भी ओपनिंग वगैरह कुछ चीजें हमको देखने को नहीं मिली। लेकिन हमने जब ब्लाइंड सैक में देखा कि ओनली वन ओपनिंग देखने को मिला था हमको, जहाज से क्या करेगा, फूड अंदर आ जाएगा और फूड क्या हो जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा। तो ऐसा ब्लाइंड सैक बॉडी था। तो इस सैक के अंदर या इस बॉडी प्लान के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, टू ओपनिंग देखने को मिलेगा प्रॉपर। अगर हम ह्यूमन है तो हमारे ह्यूमन में भी टू ओपनिंग होते हैं, खाने के लिए हमारा माउथ होता है, तो निकलने के लिए हमारा एनस होता है, अनडाइजेस्टेड फूड। तो ऐसा हमको टू ओपनिंग देखने को मिलेगा किसके अंदर, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में। तो चलो इसके बारे में लिखते हैं, इन दिस बॉडी प्लान, इन दिस बॉडी प्लान बॉडी इज अ लाइक in this body plan digestive system is present in tube like body cavity. Mouth and anus are present at two separate ends of digestive system. Annelida onward on phyla show this
बॉडी प्लान. देखो ट्यूब ब्रीथिंग ट्यूब बॉडी प्लान में क्या देखने को मिलता है. इन दिस बॉडी प्लान, इस टाइप के बॉडी प्लान में डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन द ट्यूब लाइक अ बॉडी कैविटी. हमारी जो बॉडी होती है बॉडी कैविटी के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हम जब फूड खाते हैं वो क्या करेगा, फूड हम किससे खाते हैं, मुंह से, यानी कि हमारे माउथ से खाते हैं, माउथ में हम च्यूइंग करेंगे तो उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर भी करेंगे. जब हमारा फूड डाइजेस्टिव सिस्टम से ऊपर गुजरेगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक से ऊपर गुजरने के बाद जब वो यानी कि क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट मटेरियल जो रहेगा बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल नहीं है तो क्या करते हैं हम, थ्रू आउट बॉडी के बाहर हम निकाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ऐसा एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके खाने की अलग ओपनिंग और निकालने की अलग ओपनिंग होती है. इसलिए बोलते हैं माउथ एंड एनस आर द प्रेजेंट एंड द टूथ सेपरेट एंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर मान रहे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक ट्यूब है इसकी, ऐसे मान लो इससे अगर हम खाते हैं, ये हमारा माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट है, तो ये निकालने के लिए हमारा कौन सा पार्ट है, एनस पार्ट. हम खाते हैं उसी जगह से हम बाहर नहीं निकालते हैं तो इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बोलते. अगर हम एक ही जगह से खाते हैं और एक ही जगह से बाहर निकालते हैं उसको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बोलते, तो उसको ब्लाइंड बॉडी बोलते हैं, ब्लाइंड बॉडी बोलते हैं. तो लेकिन इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, यानी कि एक ओपनिंग, अलग ओपनिंग जिसको हम माउथ बोलते हैं और निकालने के लिए दूसरी ओपनिंग देखने को मिलती है. ऐसे हमारी सेपरेट सेपरेट जहां पर ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को हम या उस सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. तो देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो हमारा ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान कहां से, कौन से फाइलम से लेकर कौन से फाइला तक होता है, एनीलिडा से लेकर यानी कि मैमिलिया, हम उसमें हम एनीलिडा से लेकर इसमें मैमिलिया लास्ट वाला फाइलम जिसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा. तो तीनों भी आपको समझ में आ गए, बॉडी प्लेन? यस सर. सभी को? यस सर. चलो यहाँ पर हमारे बॉडी प्लेन एंड क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है. तो अब हमको क्या पढ़ना है, एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ना है. फाइनली हम एनिमल क्लासिफिकेशन के पास आ गए, जिसको हमको कैसे पढ़ना है, एक एक फाइलम को पढ़ना है, एक एक फाइलम को पढ़ना है. तो चलो रेडी हो आप फाइलम पढ़ने के लिए? Yes, आप कौन से फाइलम में आते हो? मैमिलिया. मैमिलिया सच्ची में? फिर आप ही बताओ. हमने मैमिलिया में आते हैं. सच्ची में राधिका आप मैमिलिया में आते हो? हाँ सर, जनवरी तो है सब. जनवरी तू सब है. चलो यस, हम कौन से फाइला में आते हैं या कौन से फाइलम में आते हैं, मैमेलिया में आते हैं. तो चलो सबसे पहला जो हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन है इसका फर्स्ट फाइलम हम पढ़ते हैं. एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन हमारा फर्स्ट फाइलम है जिसका नाम है पोरी, एपोरीफेरा. कौन सा है? पोरीफेरा. फर्स्ट फाइलम की हम बात कर रहे हैं, फाइलम पोरीफेरा. तो देखो ये जो फाइलम है ना, फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा ये जो वर्ड है ना टू वर्ड से बना हुआ है. कौन से वर्ड सा बोलना हुआ है? टू वर्ड से बना हुआ है. तो देखो फर्स्ट वर्ड आपको दिख रहा होगा पोरी. कौन सा? पोरी. पोरी पोरी एक वर्ड ए हो गया और दूसरा वर्ड हो गया फेरा है, तो वो ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है फेरॉन. क्या नाम है? फेरॉन. देखो पोरी फेरा है जो टू वर्ड से बना हुआ है, यानी कि पोरी और दूसरा है फेरॉन, यानी कि पोरीफेरा. पोरीफेरा, तो ये पोरीफेरा
होरी का मीनिंग होता है फोर्स, फोर्स क्या होते हैं, फोर्स होते हैं, और खेरान का मीनिंग होता है बियरी। फोर्स बियरिंग जिसको हम क्या बोलते हैं होरी, एंड फिर मीन सकता है बियरिंग, यानी कि हमको क्या देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे, यही होता है हमारा छोटे छोटे पोर्स यानी कि सेल, क्या होंगे हमारे सेल देखने को मिलेंगे, जो कैसे होंगे, जो सभी फंक्शंस करेंगे इसके अंदर, यानी कि उसी से हमारा क्या बनता है पूरी फेरा बनता है। तो समझ में आया पूरी फेरा किस वर्ड से बना हुआ है, तो पूरी प्लस, पूरी प्लस फेरा, ए पूरी राधिका, ए पूरी, हाँ पूरी प्लस फेरा। चलो पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, उसको समझेंगे, बाद में हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो आप स्ट्रक्चर के लिए तैयार हो? यस यस सर। चलो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है, एनिमल किंगडम से ना ये तो, सॉरी प्लांट किंगडम से ना ये वाला जो एनिमल किंगडम है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से अगर उसको पढ़ते हो या समझने की कोशिश करते हो, और मैंने जब भी कोई अगर बात बोली तो उसके आंसर देते हो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं राधिका? इसको स्पंज लगता है, आपके घर में भी स्पंज होता है, होता है ना स्पंज, जो हम कार वगैरह उससे वॉशिंग करते हैं। यस हाँ, उसको स्पंज ही बोलते हैं ना, दूसरा कौन सा वर्ड बोलते हैं उसको? समझ में आ जाएगा आपको फोम समझ में। चलो वो आपने उस फोम को ऑब्जर्व किया है, देखा भी होगा। हाँ ऑब्वियसली हमने देखा है क्योंकि हमारे घर में होता है। तो अगर आपने उसको उसका नेचर अगर देखा है, अगर वो ड्राई वेट में कितना हल्का हल्का रहता है ना वो, जब आप उसको अगर वाटर के प्रेजेंस में या वाटर के अंदर अगर उसको डिप कर देते हो तो क्या कर लेता है रे? भारी होता है। भारी होता है। भारी क्यों होता है वो? क्योंकि उसके पोर्स के अंदर पानी भर जाता है। क्योंकि उसके स्पोर के अंदर पानी भर जाता है। तो सेम तो हमारा यही है टाइप ऑफ, उससे ही रिलेटेड, उससे ही रिलेटेड। तो देखो आपने देखा होगा जब उसको वाटर के अंदर आप उस फोम को डिप करते हो तो क्या कर लेता है, पानी को सक कर लेता है, पानी को सक कर लेता है, और क्या हो जाता है वो वेटेड हो जाता है ना, उसका वेट भी बढ़ जाता है। यस ऑब्वियसली, क्योंकि उसके फोम के अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। अब आप क्या करते हो, उसको निचोड़ते हो, निचोड़ते हो ना ऐसे, हाँ क्या हो जाएगा फिर? पानी निकल जाएगा, वो हल्का हो जाएगा, पानी निकल जाता है, हल्का हो जाता है। तो देखो सेम सिचुएशन, ये जो साइकॉन या स्पंजेस होते हैं, साइकॉन या स्पंजेस होते हैं, ये मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक ही होते हैं, और एक्वेटिक में भी, एक्वेटिक में जो ज्यादातर स्पंजेस होते हैं वो मराइन वाटर में पाए जाते हैं। मराइन वाटर मीन्स क्या होता है, जो हमारा सी का पानी होता है, यानी कि खारा पानी, जहां पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो उस पानी में सबसे ज्यादा ये साइकॉन या जो स्पंजेस होते हैं पाए जाते हैं, और कुछ कुछ स्पंजेस होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो अब देखो वाटर में है, इसके पास कोई भी सिस्टम अवेलेबल है क्या? नहीं है, या ना इसके पास टिश्यू लेवल सिस्टम प्रेजेंट है, ना इसके पास ऑर्गन लेवल सिस्टम है। तो इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो बॉडी होती है पूरी सेल से बनी हुई होती है, सेल से, जो कि कैसे होते हैं, लूजली बॉन्डेड सेल, क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड सेल होते हैं, ऐसे पूरी सेल से बनी हुई होती है पूरी बॉडी, क्या बनी हुई होती है, सेल से बनी हुई होती है। तो चलो हम इसकी थोड़ी सी लेबलिंग कर देते हैं साइकॉन की, बाद में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बॉडी लिख लेते हैं, बॉडी क्या है, बॉडी है, इसको अगर खड़ा रहना है पानी के अंदर या किसी को अटैच होकर रहना है तो इसको हम बोलते हैं कॉमन बेस, एक बेस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन बेस, कॉमन
इसके पास एक ओपनिंग होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम बोलते हैं। इसके बॉडी में बहुत सारे स्पोर होते हैं, यानी कि ऐसे सेल सेल से सेल दो सेल के बीच में जो गैप होता है, दो सेल के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया एंड इसके बॉडी के अंदर इनसाइड द स्पॉन्जेस यानी कि इनसाइड द ऑस्टिया के अंदर कुछ आपको ऐसा हेलोस्फीयर यानी कि कैविटी देखने को मिलेगी, कैविटी देखने को मिलेगी, उस कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोकॉइल कैविटी। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोकॉइल कैविटी। तो अब देखो हमने लेबलिंग कर लिया, इसको समझने की कोशिश कर। तो देखो मैंने आपको बोला था कि एक स्पॉन्ज या ये साइकान मोस्टली कहां पर प्रेजेंट रहते हैं, इनका नेचर कैसा है? एक्वाटिक लीव्स इन मैरीन वाटर। हाँ, एक्वाटिक में रहते हैं यानी कि कौन से मैरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। तो देखो ऑब्वियसली कहां पर होंगे? वाटर के अंदर होंगे, वाटर के अंदर होंगे। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर दिखा जो इसकी बॉडी जो होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो किस चीज से बनी हुई होती है? सेल से बनी हुई होती है। ऑब्वियसली हमारे शरीर की बॉडी क्या होती है? सेल से ही बनी हुई होती है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो सेल होती है कैसे बॉन्डेड होते हैं? लूजली अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज यानी कि लूजली एक दूसरे को ऐसे चिपक चिपक के नहीं, ऐसे चिपक चिपक के नहीं होंगे। तो क्या होगा? दो सेल के बीच में थोड़ा सा गैप, दो सेल के बीच में थोड़ा सा गैप होगा। ऑब्वियसली जब गैप होगा तो वहां पर कुछ तो ओपनिंग मिलेगा हमको, मिलेगा ना, है कि नहीं? Yes. बाबा yes. अगर देखो ये ऐसे अगर बॉन्डेड होंगे एक दूसरे से अटैच, आपके यहाँ पर कोई जाने के लिए स्पेस है क्या? नहीं है। अगर वही अगर ऐसे ऐसे लूजली बॉन्डेड होते तो यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा, कोई भी चला जाएगा, चला जाएगा ना? Yes, sir. हाँ, तो देखो ये जो सेल होते हैं ये ऐसे लूजली बॉन्डेड होते हैं, यानी कि देखो इसमें क्या होगा? ओपनिंग होगा, तो उसी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो सेल स्पेस बिटवीन द टू सेल, स्पेस बिटवीन द टू सेल, दिस स्पेस नोन एज द ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? और ऑस्टिया क्या बोलते हैं उसको? ऑस्टिया बोलते हैं। अब देखो इस ऑस्टिया से क्योंकि ये क्या होगा, ये वाटर के अंदर है, तो ये जो वाटर होता है ना, वाटर कैसे होता है? मरीन के मरीन अगर वाटर की अगर बात की जाए तो कैसे होता है? लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि हमको पता है खारा पानी के अंदर अगर हमने कुछ हेवी चीज अगर डाल ली है तो फ्लोट होते रहेंगे, क्योंकि उस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है? लो होता है। कैसे होता है? लो होता है। अगर वह अगर हार्ड वाटर की अगर या हमारा फ्रेश वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है? हाई होता है कि लो होता है? समझ में आया क्वेश्चन मेरा? नहीं नहीं। देखो मराइन वाटर और फ्रेश वाटर अगर डिफरेंस की अगर बात की जाए तो मराइन वाटर कैसे होता है? कैसे होता है? गोड़ा होता है कि खारा होता है? सॉल्टेड। खारा खारा नहीं रहता है। तो अब मुझे बता, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा अगर आप किसी सॉल्टी वाटर में अगर कुछ हेवी चीज अगर डालते हो तो क्या डीपली अंदर चली जाती है या फ्लोट होती रहती है? फ्लोट होती है। क्यों फ्लोट होती है? कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होती तो डीप चली जाती ना? सर नहीं, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है शायद। देखो ये जो मराइन वाटर होता है, ये जो मराइन वाटर होता है
मराइन वाटर के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, क्या होता है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो इसी सॉल्ट के कारण जो हमारा ये मराइन वाटर होता है, क्या होता है, मराइन वाटर होता है, ये कैसे होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन का होता है। अगर इसमें आप कोई भी अगर हेवी मटेरियल, अगर जैसे हमने उसके अंदर अगर बटाटे को अगर डाल दिया, तो बटाटा भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लोट होते रहेगा, यानी कि क्या हुआ, मराइन वाटर यानी कि सॉल्ट की जो ये होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, लो होता है। वही अगर फ्रेश वाटर की अगर बात की जाए, फ्रेश वाटर की, तो इसमें जो होता है ना, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, यानी कि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो मराइन में क्या होगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो कोई भी चीज अगर हम उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगी, फ्लोट होती जाएगी। लेकिन फ्रेश वाटर में अगर वही चीज को हम डालें तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने बटाटे को डाला तो क्या चला जाएगा, डीप में चला जाएगा। अगर एक ग्लास है, ग्लास में यहाँ पर मैंने बटाटा डाला, मराइन वाटर में वो फ्लोट होते रहेगा वाटर के अंदर, वही अगर फ्रेश वाटर में डाला तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। समझे क्या? यस सर। देखो अब क्या होता है, मैंने आपको क्यों फंडा बोला, क्योंकि आपका फिजिक्स का फंडा होगा, फिजिक्स का ही फंडा है शायद। तो चलो, अब दो सेल के बीच में क्या है, गैप है, जिसको हमने क्या बोला था, ऑस्टिया बोला था। क्या बोला था? ऑस्टिया बोला था। अगर ए साइकान किसमें है मराइन वाटर में, किसमें है, मराइन वाटर में है, तो देखो यहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है, तो ये वाटर जो होगा ना ईस्ट ऑस्टिया से होकर क्या करेगा, बॉडी के अंदर मूव करेगा। किसके थ्रू? ऑस्टिया के थ्रू। ऐसे बहुत सारे ऑस्टिया, यहाँ पर आपको दो सेल के बीच में, हर एक दो सेल के बीच में आपको कैमिल का गैप मिलेगा, इस गैप में से होकर के वाटर क्या चला जाएगा, उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसके बॉडी के अंदर, साइकान के बॉडी के अंदर। समझ में आया इतना? यस। सभी को समझे क्या? अगर मान लो ये हमारा वाटर है, ये वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, इस ऑस्टिया से होकर बॉडी के अंदर चला जाएगा, किसके, साइकॉन के। कहां पर चला गया, जैसे हमने देखा हमारा स्पंज था, स्पंज को जैसे हमने क्या किया, वाटर के अंदर डिप किया, तो उसने क्या किया, वाटर को सब कर लिया, यानी कि जो वाटर कहां पर चला गया, स्पोर से होकर गुजरते उस स्पंज के अंदर चला गया, गया था। अब हाँ, गया था कि नहीं? हाँ। अब देखो, उसके बाद जो ये वाटर जो होता है ना, अब अंदर चला गया था और ऑस्टिया से होकर जो अंदर हो गया था वाटर, और वो क्या करता है, इस ऑस्टिया के अंदर एक कैविटी होती है, जिसको हमने स्पेस या बॉडी कैविटी बोलते हैं, उस बॉडी कैविटी का नाम है स्पॉन्जोकॉइल कैविटी। कौन सी कैविटी? स्पॉन्जोकॉइल कैविटी। अगर बताओ, आपने अगर खाना खा लिया है तो खाना आपका कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है? स्टमक में होता है ना स्टोर? Yes. पेट में होता है ना, सेम सिचुएशन। तो इसका जो पेट होता है वो कौन होता है, स्पॉन्जोकॉइल होता है, यानी कि जो भी वाटर इसके बॉडी के अंदर गया वो कहाँ पर जाके ठहरता है, तो स्पॉन्जोकॉइल कैविटी में, जो इसके बॉडी के फूल अंदर होता है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर देखा है ऐसे ऐसे। तो अब पानी कहाँ पर चला गया, स्पॉन्जोकॉइल कैविटी में, कहाँ में चला गया, स्पॉन्जोकॉइल कैविटी। तो अब देखो, अगर पानी है, समुन्द्र का पानी इतना सा है क्या कि बहुत बड़ा है, बहुत सारा पानी है समुद्र के अंदर, है ना, है कि नहीं? हाँ। बाकी लोग, मेरा समझ में आ रहा है कि आपको, सिर्फ राधिका ही मुझे आंसर दे रही है, हा ना बिचारी। हाँ, बाकी लोग है कि सो गए? है सर। है ना, तो आंसर दो ना प्लीज। चलो देखो, समुद्र का पानी तो इतना सा नहीं है, यानी कि ग्लास के बराबर पानी नहीं है, बहुत सारा पानी। तो देखो पानी क्या करेगा, कंटिन्यूसली उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा और कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा, स्पॉन्जोकॉइल में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर होते चला जाएगा। अब बताओ मुझे, अगर आपने आपको
आपके पेट को जितना खाना चाहिए आप उतना ही खाओगे ना कि एक्स्ट्रा भी खा लोगे? थोड़ा ही खाएंगे, जितने आपको थोड़ा ही खाएंगे, हाँ ना, जितना आपको पेट आपके पेट को लगे पेट के लोगे का जितना ही आप खाते जाओगे। लेकिन अगर आपने एक्सेस अमाउंट पे अगर खाना खा लिया तो आपको क्या होगा? वोमिट, वोमिटिंग होगा, आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो इसकी तबीयत बिगड़ती है, इसकी भी तबीयत बिगड़ती है। तो देखो क्या होगा, अगर पानी कंटिन्यूसली इसके बॉडी के अंदर अगर चला जाता है, यानी कि स्पॉन्जिकल कैविटी में अगर वो स्टोर होते चला जाता है, तो क्या करेगा, उसके बॉडी में स्वेलिंग आते जाएगा। जैसे हमारा भी पेट फूलता है ना, पेट फूलता है, हाँ, वैसे ही वो स्पॉन्जिकल कैविटी में जैसे जैसे पानी भरते जाएगा तो उसका भी पेट क्या होता है, फूल जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है, अगर उस वो जो पानी उसके बॉडी के अंदर भर रहा है, अगर एक स्टेज ऐसी आती है, अगर वो बॉडी के बाहर अगर वो पानी निकला नहीं तो उसका यानी कि ब्रस्ट भी हो सकता है, फूट भी सकता है। जैसे हमारा सिंटेक्स है, सिंटेक्स की कैपेसिटी अगर 500 ml की है, सिंटेक्स की कैपेसिटी 500 ml की है, अगर यहाँ पर आपने 600 ml अगर पानी भर दिया, ठीक है, 600 ml इस टैंक के अंदर पानी जमा हो पाएगा? नहीं। तो 100 ml क्या हो जाएगा आपका, फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना, यानी किसको हम ओवरफ्लो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवर। तो सेम सिचुएशन, अगर पानी भरता जाए तो एक ऐसी भी स्टेज आती है, अगर बॉडी के पानी अगर इसके बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए तो ये ब्रस्ट भी हो सकता है, यानी कि फूट भी सकता है। क्या हो सकता है, फूट भी सकता है। लेकिन ऐसा ना हो, इस पानी की वजह से इसकी बॉडी ब्रस्ट ना हो या फूटे ना, इसीलिए उसके पास एक ओपनिंग होता है, जो बड़ा ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग का नाम है आस्कुलम। क्या है, आस्कुलम है। तो देखो ऑस्टिया से क्या होगा, पानी चला जाएगा इनसाइड द बॉडी, इस स्पॉन्ज के अंदर या साइकन के अंदर चला जाएगा। तो पानी कहाँ पर स्टोरेज होगा, जो इसका पेट बोल सकते हैं हम, या बॉडी कैविटी बोल सकते हैं, कौन सी बॉडी कैविटी, स्पॉन्जो कॉइल कैविटी है। तो ये स्पॉन्जिकल कैविटी में क्या करेगा, वो पानी स्टोर होते चला जाएगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि क्या होगा,